नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है भाईंदर से, जहां हाल ही में दो दिन पहले 6 मई को एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल भाईंदर की शक्ति ज्वेलर्स नामक एक दुकान में एक नाबालिग लड़के ने नकली बंदूक के बल पर लूट की कोशिश अंजाम दी। हालांकि यह नाबालिग अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गया और धरा गया। दुकान मालिक ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया और कहीं ना कहीं एक बड़ी लूट की वारदात होते होते रह गई। आप जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज और पूरी फुटेज देख रहे हैं, फुटेज उसी घटना का है जब भाईंदर में शनिवार को लगभग शाम के 5-6 बजे की यह घटना है। शाम को 5-6 बजे एक नाबालिग युवक आरोपी जो दुकान में घुसता है और घुसकर उसके पास में प्लास्टिक की नकली पिस्तौल होती है जिससे दुकानदार को डराने की कोशिश करता है। तब दुकानदार तुरंत ही अपनी फर्नीचर से बाहर निकलकर दुकान के बाहर जाता है और लोगों को आवाज लगाता है। आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद उस आरोपी को धर दबोचा जाता है। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस की पूरी इस मामले पर FIR दर्ज करवाई गई और पुलिस की जांच फिलहाल शुरू है। देखिए इस मामले से जुड़ा यह सीसीटीवी फुटेज और सुनिए क्या कुछ कहना है प्रत्यक्ष दर्शियों का, वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। यहाँ पर आए क्या कहते हैं? यहाँ पे शक्ति ज्वेलर्स में जो घटना हुई है उसके बारे में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर पाटिल साहब ने मुझे यहाँ पे भेजा है। यहाँ लोगों ने ही पकड़ के उसको पुलिस स्टेशन में हमारे स्टाफ ने लेके गए हैं, हमारे स्टाफ पर लोगों ने पकड़ के, तो आगे की कायदेशीर कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। थैंक यू। अशोक कुमार जीतमल जैन। क्या हुआ था? आप क्या हुआ? एक लड़का आया था, पीछे पे एक लटका हुआ था, बोला बिस्किट गिरवी रखते हो क्या? मैं उसको बोला नहीं रखते, तो चेक तो कर लो। बोला चेक नहीं करना है, तो फिर चला गया आगे। एक दो तीन मिनट के बाद वापस आया, जैसे वो आते ही सीधा बैग से पिस्तौल निकाला, पिस्तौल निकाला और मैं सीधा काउंटर से सीधा बाहर आके शर्ट खींच के बाहर लेके आ गया उसको, तब तो आगे भाग गया। प्लास्टिक का था, गन प्लास्टिक का था। सीधा बाहर लेके गया, गन पे तो रास्ते में फेंक दिया नीचे, आगे थोड़ा आगे जाके प्लास्टिक का, फिर दूसरे लोगों ने वो पकड़ के ले गया है। आपको डर लगा? आते निकाला गया। आपको डर लगा जब से गन निकाला और आपको मारने की कोशिश कर रहा, आप लगा ओरिजिनल होगा या कुछ ऐसा कुछ? हाँ, अपने वही लगा ओरिजिनल होगा, बाहर सीधा बाहर आके सीधा बाहर लेके आ गया। चलो बाहर रहेगा तो पब्लिक आएगी सुरक्षा के लिए। मेरा नाम वरुण सोनवाल। क्या हुआ है सर, उसमें क्या घटना? मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था, इतने में इनके चिल्लाने का आवाज आया तो मेरे को लगा उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इतने में देखा तो लड़का भागते हुए दिखा, तो मैंने मेरा गाड़ी स्टार्ट किया, भागते हुए गया तो उसको पकड़ा। पकड़ते टाइम रिक्शा में हम लोग लग गए, फिर उसको उठाया, इतने में दो तीन लोग आ गए, हम लोग उसको बोले बाइक पे बैठ, बिठा के लेके आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाके सरेंडर किया। और शॉप पे जाके देखा तो उसका एक गन और कुछ तो ऐसा चाकू जैसा पड़ा हुआ था, तो ये लोग बोले कोई हाथ नहीं लगाने का, मैं रूमाल से उठाया और लाके शॉप में रख दिया। फिर 112 नंबर पे फोन किया पुलिस को, फिर पुलिस वहां से आ गया था थोड़ी देर में। लड़का अकेला था क्या? लड़का अकेला था, वो कह रहा था उसको किसी ने बोला, वो पहले आया फर्स्ट टाइम, ये भी शॉप में आया, बोला सोने का बिस्किट खरीदोगे क्या? तो अंकल ने मना कर दिए, तो बाद में वापस से गया, वापस से आया, बैग में से उसने गन निकल के दिखाई। गन ओरिजिनल थी या किस तरह का? डुप्लीकेट गन था, लाइटर था। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर